हेलो फ्रेंड, आज हम टुल्लू पंप के कनेक्शन करेंगे। टुल्लू पंप के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो वायर है इनमें हम 0 नंबर की स्लिप डालेंगे। स्लिप डालने के बाद हम इनके जो कनेक्शन है जो इनका ज्वाइंट करेंगे, जो हमारे 8 सिरे हैं उनमें सभी में हम स्लिप डाल लेंगे। और 4 सिरे हमारे अंदर के सेट के हैं और 4 हमारी जो रनिंग कॉइल है उसके सिरे हैं, इनमें हम सभी में स्लिप डाल लेंगे। और एक एक सिरा इनर का साइड का स्टार्टिंग का और एक एक इनर सिरा रनिंग कॉइल का हम आपस में जोड़ देंगे। जो ये हमारी कॉइल है इसके जो सिरे है जो बार बार का सिरा है जो उसको मिला देंगे और ये सिरे बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले इनकी जो पॉलिश है वह उतार लेते हैं और फिर एक उसके जॉइंट लगाने के लिए ऊपर एक स्लीव डाल लेंगे। और ये हमने जो एक एक सिरा है इनको इस तरह मिला देंगे और स्लीव को ऊपर डाल देंगे। इसके ये अच्छे से टाइट कर लेना है हमें। और इस प्रकार हम इसको स्लीव को ऊपर चढ़ा देंगे। ये हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल है इसका कनेक्शन हो गया है और ये जो 2 वायर हमारे बच्चे हैं ये बाहर निकल जाएंगे जो कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार ये हमारी जो रनिंग कॉइल है उसके हम जो बाहर के 2 तार है बड़े सिरे उनको मिला देंगे और ये ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम उसी तरह इसके ऊपर भी स्लीव चढ़ा देंगे। ये हमारे स्टार्टिंग कॉइल का सिरा जो इसमें हमने मिला दिया है और ऊपर इसके स्लीव चढ़ा देंगे ताकि शॉर्ट ना हो सके। इस प्रकार हमारी ये 4 सिरे बच के 2 सिरे स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। अब इनके हम कनेक्शन लीड निकाल देंगे। जो हमारा यह कनेक्शन लीड रनिंग कॉइल का है और ये हम स्टार्टिंग कॉइल के सिरे हैं। अभी इनमें अब स्लीव चढ़ा देंगे कनेक्शन करने के पश्चात। ये हमारे 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के कनेक्शन हो गए हैं और इन वायरों को हम स्लीव चढ़ाने के बाद बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए स्लीव हम इस प्रकार चढ़ा देंगे जो कनेक्शन किए हमने वायर के, जो 4 स्लीव है इस प्रकार लगा देंगे। अब ये हम 4 वायर बाहर निकाल लेंगे 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग के। इस प्रकार हम बाहर निकालने के बाद इनको अच्छी तरह सेट कर देंगे वायर को अंदर और इनकी सिलाई कर देंगे। इस प्रकार हम टुल्लू पंप के कनेक्शन करेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। हमारे जो 1/2 HP की ये टुल्लू पंप मोटर है कंप्लीट हो चुकी है। इसकी कनेक्शन करने बिल्कुल आसान है। हमारे 4 वायर बचे हैं, इसमें 2 वायर
हम इकट्ठे मिला लेंगे और दो कैपेसिटर में लगा देंगे, और एक एक वायर फिर उसके जो एक वायर दो इकट्ठी लगी है उसके कनेक्शन की मेन तार और दूसरी जो रनिंग कॉइल की मेन तार के साथ जोड़ देंगे और हमारी मोटर बिल्कुल ओके हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब